सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ हीली के कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में, किस किस तरीके की इनकम है। तो मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको वो सारी इनकम एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हीली के कॉम्पेंसेशन प्लान में डायरेक्ट बोनस के बारे में। तो मैं इनकम्स को आपको बताऊँ, उसके पहले मेरे टीम के लिए मैंने एक ऐसा पीडीएफ क्रिएट किया है जिसमें वो सभी स्लाइड्स के प्रिंटआउट्स हैं, जो स्लाइड्स मैं आपको अभी बिज़नेस प्लान में यूज़ करने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ। तो आसानी से आप ये 7 या 8 स्लाइड्स के भीतर आप किसी को भी बिज़नेस प्लान इसका आसानी से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनकम की हम बात करने वाले हैं वो है हीली का डायरेक्ट बोनस। हीली का डिवाइस डायरेक्ट बोनस आपको हर डायरेक्ट सेल पे मिलता है। ये बोनस आपके टीम के वॉल्यूम पे नहीं, बल्कि आप खुद डायरेक्ट कितनी सेल करते हैं उस पे निर्भर होता है। और ये जो बोनस है, कितनी भी सेल आप कर सकते हैं, मतलब हीली का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है वो एक्चुअली जनरेशन प्लान है, तो आप उसमें कितनी भी सेल कर सकते हैं और कितनी भी डायरेक्ट सेल लगा सकते हैं, और उन सभी का डायरेक्ट बोनस आपको मिलता है। तो डायरेक्ट बोनस कैलकुलेट कैसे होता है, आइए इस स्लाइड के थ्रू हम देखते हैं। आप देखेंगे हर हीली एडिशन का अपना एक प्राइस वैल्यू होती है और एक अटैच्ड पॉइंट वैल्यू होती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे रेजोनेंस में 525 पीवी आपको अचीव होता है और 91,000 इसका एमआरपी है, मगर रेजोनेंस प्लस है 1,51,890 रुपीज़ का, और इसके साथ में आ जाते हैं 875 पॉइंट वैल्यूज़ अटैच्ड होते हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल 2,42,000 का, और इसमें पीवी होते हैं 1,400। अब आपको ये जो भी पीवीज हैं इनका कितना परसेंट मिलेगा, 15%, 30% और 40%, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उस कैलेंडर मंथ में कितने पॉइंट वैल्यू की डायरेक्ट सेल की हुई है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ अगस्त महीने की, कोई से भी महीने की, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपने कितने पॉइंट वैल्यू की टोटल डायरेक्ट सेल करी है, वो डिसाइड करेगा कि आपको डायरेक्ट बोनस कितना मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अगर 2000 पीवी से कम का बिज़नेस किया है पूरे कैलेंडर मंथ में, आपको मिलेंगे 15% ऑफ द जो भी पीवी आपने क्रिएट किया है। अगर आपका पूरे महीने का बोनस 2000 से 3500 पीवी के बीच का हुआ है तो आपको 30% मिलेगा, और आप अगर 3500 या उससे ज़्यादा का बिज़नेस करते हैं तो आपको 40% का डायरेक्ट बोनस मिलता है। तो 15%, 30% और 40% ऑफ व्हाट, ऑफ द पॉइंट वैल्यूज जो आपने उस कैलेंडर मंथ में क्रिएट की हुई है। तो मैं आपको ये बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लीजिए आप हैं और आपने इस एक कैलेंडर मंथ में 2 सेल किया है, एक रेजोनेंस प्लस और दूसरा आपने रेजोनेंस किया है। तो रेजोनेंस प्लस का मतलब आप पिछली स्लाइड देखेंगे, इसमें 875 पीवी क्रिएट हुआ है और रेजोनेंस में 525 पीवी क्रिएट हुआ है। तो रेजोनेंस प्लस में आपको मिलेगा 875 पीवी, रेजोनेंस में मिलता है आपको 525 पीवी। टोटल अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपने बिज़नेस किया है 1400 पीवी का। इसका मतलब आप आ रहे हैं पहले स्लैब में, मतलब आपका जो टोटल बिज़नेस है 2000 पीवी से कम का है। तो जो भी पीवीज आपने क्रिएट किए हैं 1400, इसका आपको मिलेगा 15%। तो 1400 का आप पता कर लेंगे 15%, और ये होता है 210 पीवी। अब पीवी को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना है, स्लाइड में देखिए 1 पीवी इज़ 1 यूरो इज़ 88.11 रुपीज़। यूरो का जो एक्चुअल रेट है वो इंडियन रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी हो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस बोनस कंपनी ने उसको 88.11 रुपीज़ ही निर्धारित किया हुआ है। तो आप देखेंगे आपको 210 पीवी डायरेक्ट बोनस जो मिलने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 पीवी को रुपीज़ में लाने के लिए 88.11 से, तो आपको टोटल डायरेक्ट बोनस जो रिसीव होगा दैट इज़ 18,503 रुपीज़। तो ये आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। आइए केस टू लेते हैं। मान लीजिए आपने इस महीने 3 सेल किया है, एक प्रोफेशनल मतलब एक रेजोनेंस प्लस, दूसरा प्रोफेशनल
और तीसरा आपने रेजोनेंस, ये तीन सेल आपने मान लीजिए किया। तो प्रिवेलिंग जो भी पॉइंट वैल्यूज हैं उसके हिसाब से रेजोनेंस प्लस 875 पीवी का है, प्रोफेशनल 1400 पीवी का है और रेजोनेंस है 525 पीवी का। तो टोटल आपका बिजनेस देखेंगे तो ये हो गया 2800 पीवी। अब 2800 पीवी का मतलब आप अगर स्लैब में देखते हैं तो अब की बार आप 2000 से 3500 के स्लैब में आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी पीवी आपने क्रिएट किया है उसका आपको 30% डायरेक्ट बोनस मिलेगा। तो ये जो भी पीवीज हैं इसका आप पता कर लेंगे 30%। तो 2800 का आप 30% पता करेंगे तो ये आएगा 840 पीवी। और इसको रुपीस में करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88.11 से, तो आपको मिलेगा 74,012 रुपीस का डायरेक्ट बोनस। अब एक बात याद रखिए, आपने उस कैलेंडर मंथ में टोटल बोनस अगर 74,012 रुपीस हासिल किया है तो पूरा आपको वन गो में नहीं मिलेगा। जब भी आपकी सेल एग्जीक्यूट होती है उसके 21 डेज़ के बाद आपको 15% पे आउट कंपनी रिलीज़ करती है। अगर आप 15% में हैं तो बस उतना ही मिलेगा। अगर आप 30% स्लैब में हैं तो जो बचा हुआ 15% है वो आपको मंथ के एंड में जो मंथली पे आउट होता है उसके साथ में रिसीव होगा। मतलब 74,000 पूरा का पूरा आपको एक बार में रिसीव नहीं होगा। पहला पे आउट आपको सेल एग्जीक्यूट होने के 21 डेज में मिलेगा और दूसरा या कह सकते हैं फाइनल पे आउट, जैसे आप अगर मान लीजिए 40% स्लैब में आते हैं तो 15% तो 21 डेज में आपको आ गया फ्रॉम सेल, एंड बाकी का जो भी बचा आपका, क्योंकि आप 40% स्लैब में है 15% मिल चुका, तो बाकी जो पैसा बचा वो आपको मंथली पे आउट के साथ रिसीव होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कई लोग सोचते हैं डायरेक्ट बोनस हमको कम आया, हम तो 30% स्लैब में थे या 40% स्लैब में थे। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है। नाउ थर्ड केस, अगर आपने मान लीजिए तीन सेल किया, तीनों मान लीजिए प्रोफेशनल का सेल आपने किया हुआ है, तो तीन प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपने 1400 इंटू 3 पीवी का बिजनेस किया। तो 1400 इंटू 3 मतलब ये हो गया 4200 पीवी। और आप देखेंगे 3500 पीवी से ज़्यादा का बिजनेस किए हैं आप, इसका मतलब आप आते हैं 40% के स्लैब में। तो इसका आप ले लेंगे 40%। तो 40% लेने के बाद आपको 1680 पीवी मिलता है डायरेक्ट बोनस। इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 88.11 के साथ। तो आपको डायरेक्ट बोनस जो मिलेगा वो आ रहा है 1,48,024 इंडियन रुपीज़। ये डायरेक्ट बोनस आपको आया, जैसा मैंने बताया इसका 15% आपको 21st डे मिल जाएगा और बाकी का बचा हुआ आपको मंथली पे आउट के साथ कैलेंडर मंथ के नेक्स्ट कैलेंडर मंथ के एंड में आपको रिसीव होगा। तो दिस इज़ अबाउट डायरेक्ट बोनस। आप कितनी भी सेल लगा सकते हैं, कोई अंत नहीं है। कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, अगर आपका कोई लेवल वन वाला डिवाइस को अपग्रेड करता है वो पीवी क्रिएट करेगा, वो भी आपके डायरेक्ट बोनस के पीवी में काउंट होता है। अगर कोई एलिमेंट्स खरीदता है या आपका लेवल वन वाला डायरेक्ट जो भी आपके लोग थे, या फिर कोई नया प्रोग्राम पेज खरीदता है या कोई हीली वॉच खरीदता है, मतलब जहाँ जहाँ भी जिस जिस चीज़ में भी पीवीस जनरेट होते हैं आपके लेवल वन में, वो सारे कंट्रीब्यूट होके आपको डायरेक्ट बोनस में उसका फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट बोनस।